दर्शक आम कहीं बारंबार कहूँ जे वीके पांड्यान को आत्मप्रचार द्वारा विजु जनता दल सांघातिक भाव क्षति होोट कमी जाल बाबू आप देखिए आज पर्यंत तृतीय पर्याय जो निर्वाचन शेष होरंभ रु एपर्त सुनील बाबू देखिए वीके पांड्यान आत्मगर्व अहंकार केपर को चढ़ी जा छमास तलु से जिते बड़े मंच ऊपर को जाते से सते जमी निजक अमिताभ बच्चन भावुले और जो जोश से मंच ऊपर माइक धरिकी अनर्गल भाषण देवा चेष्टा करुले से सफल हेले है सुनील बाबू पांड्यान बाबू को सामने विजु जनता दल अन्यो कौनसी नेता नेत्री और सामना को आसी पारे एवं से एभली एक परिस्थिति सृष्टि कले एक बार्ता देले जे ओडिशावासी आपण कहारी को चाहतु ना नवीन पटनायक को चाहतु शंख चिन्ह को चाहतु मुझे तो बार्ता कह मत चाहतु दल कथा से निजे कौन नहीं प्रमाणित करने को चाहिए सब कथा सुनील बाबू कह जाए जो प्रकाश दास को भरपूर प्रशंसा कर जदि प्रशंसा न करिवे ओडिसा माटी रे तांकर सुनील बाबू स्थिति असंभाल हे जे से ओडिया को जते माने हीन चक्षु रे देखुचंती ओडिया को जेबुले से मिसबिहेव करुचंती सुनील बाबू जदि ओडिसा माटी रे से आउ एभली किछि व्यवहार प्रदर्शन करंती ताले ओडिया लोक तांको केबे छाडीबेनी बर्दाश्त करिवे यस यस नवीन बाबू को जने स्वच्छ भावमूर्ति जने शांत सरल निर्विवादी लोक ओडिसावासी को पाई जने आइकन तेणुक नवीन बाबू जेहेतु पांड्यान बाबू को सुजोग देखते रखिं तेणुक ओडिशावासी सुनील बाबू वीके पांड्यान को कौन दुर्व्यवहार करूना कि कौन असम्मान करूना तो से सब दृष्टिकोण आप देखिले वीके पांड्यान निज आत्मप्रचार बल में जो भाई भाव मैदान को ओल्लुंत जो भाव से प्रचार कर सुनील बाबू मंच उपर एका चढ़ुंत गाड़ी उपर एका चढ़ी जाऊँगी कहारी को मानुना नवीन बाबू का भाषण पर निजे जो भाई भाव ए लक्ष्मी योजना किए कर जो मिशन शक्ति जो भाषा से जो भाव माने अभिभाषण रखुंत जो कथा को बारंबार रिपीट करुंच द्वारा ओडिशावासी जानुं वीके पांड्यान मोदी राजनीतिक परिपक्वता एपर्त आसी ना yes. जदि राजनीतिक परिपक्वता आसी था सुनील बाबू प्रधानमंत्री जो प्रश्न पचार सीधा सड़क से प्रश्न जवाब रखी था कथा को प्रश्न प्रश्न को बुले बंके प्रश्न को दूरे जा न था जहाँ सुहेब से कथा को कहते एवं आम गणमाध्यम संस्था कि दूरदर्शन फर्माट में पांड्यान बाबू एक कहले एक छापीदे कि अनुशीलन करागला जिते आम अनुशीलन करते ग्राउंड जीरो लोक सहित कथी लोक मैंने एक कथा कहते आज्ञा वीके पांड्यान विजु जनता दल भोट कमी जाऊली विजु जनता दल अनेक नेता कर्मी एक हृदबोध करुभव करेणुक सुनील बाबू देखिए वीके पांड्यान फोटो को विजु जनता दल वरिष्ठ नेता मैंने पोस्टर में रखी ना कहीं वीके पांड्यान भोट कटी जाने अनुभव कर शहे पांच विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन शेष है यार भितर भारतीय जनता पार्टी केजु जनता दल कांग्रेस एवं कह सुनील बाबू मुस्किल किंतु एक समस्ते स्वीकार करें शहे पांच आसन जो निर्वाचन शेष है मैजिक अंक अर्थात पंचस्तरी आसन पहुँचवे विजु जनता दल को कौन माने कठिन परिश्रम करने को पड़े ना एक समस्त जानी तथापि आज का दिन में विजु जनता दल जितापट को लेकिन प्रश्न उठवा एक सांघातिक कथा तेरी पांड्यान बाबू आत्मप्रचार जिते दूरे की रे एवं तो सब सरीगला हिसाब किताब सुनील बाबू सरला कौ कौ जगार पांड्यान बाबू को भोट कमी कौ कौ जगार पांड्यान बाबू को विजु जनता दल पराजय होती हे सब हिसाब किताब सरीगला निर्वाचन में वर्तमान पांड्यान बाबू मजगुल अच्छा से जापार ना कौट कौटे भोट कटेला कौट कौटे भोट पड़ा एक से जापार ना निर्वाचन जिते शेष हम सुनील बाबू जिते बहुत गोपालपुर विजु जनता दल थी भारतीय जनता पार्टी चली आसला ब्रह्मपुर सांसद विजु जनता दल थिला भारतीय जनता पार्टी पलि आसला नवरंगपुर तो वीके पांड्यान देखा पड़ो से जो तांकर जो निजुक गोटे नीतिवान आदर्शवान महान शक्तिशाली माने करितकर्मा ये जो प्रमाणित करुंचंती वर्तमान ये सब किछु सुनबा रिजल्ट आसला पर जना पड़ो वीके पांड्यान कार्यकलाप कौन
ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି, ଏସବୁ କିଛି ମୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏକଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ଭୋଟ କମୁଛି। ଏକଥା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ କୁହାଯାଉଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ନ ବୁଝିବେ, ସୁନୀଲ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ, ନେଡ଼ି ଗୋଟେ କୌଣିକି ବୋଇଛି, ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ଟିକେ ନିଜକୁ ସୁଧାର ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ସୁଧାରିଲେଣି, ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁନଥିଲେ କାହାକୁ, ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ମାଡ଼ି ମରିଛି। ଯାଜପୁରରେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ କରି ନା। ସୁନୀଲ ବାବୁ ସେ ସମାନ କଥା ପୁରୀ ମାଟିରେ ହେଲାନି। ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ସୁନୀଲ ବାବୁ ମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼େଇଲେ କି, ସେଠାକାର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼େଇଲେ କି, ସିଏ ଆଗରେ ଗଲେ ପଛରେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ହାବଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ସୁନୀଲ ବାବୁ କିଭଳି ଭାବେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ନିଚ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ମୁଁ ରାଜନେତା, ମୁଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ବାଣ ଫୁଟିବ, ରୋଷଣୀ ବାଜିବ, ମାନେ ପୁରା ବାଣ ରୋଷଣୀ ହେଇକିରି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପତାକା ହେଲେ, ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସପୁର ଭଳିଆ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଳେ ବସିବେ, ୟାଠୁ ଆଉ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଅପମାନଜନକ କଥା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହାରି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟି ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଆକଳନ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କେତେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଔକାତ ହିଁ ନାହିଁ? ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଦଳର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯେତିକି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ,